शिल्पी राज को डरा धमका कर उसका एमएमएस बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, एमएमएस में साफ साफ दिख रहा है एक लड़का वीडियो कर रहा है और हाथ में डंडा लेकर धमका रहा है, मजबूर कर रहा है शिल्पी राज को। जी हाँ, और ऐसी क्या मजबूरी आ गई शिल्पी राज को, ऐसा क्या जरूरत आ गया शिल्पी राज को कि किसी के कहने पर वैसा काम करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार झा और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, भोजपुरी में जितनी भी लड़कियां काम करती है या काम करने की चाहत रखती है, उन सभी से हम एक ही बात बोलने वाले हैं। आप लोग अपने काम पाने के लिए किसी के साथ शारीरिक संबंध मत बनाइएगा और इतना मजबूर मत होइएगा, भले आप काम करें या ना करें, आगे बढ़े या ना बढ़े। अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते भी हैं तो एक लिमिट में कीजिए और कैमरा के सामने ये सब काम मत कीजिए, नहीं तो यही हालत होगा जो शिल्पी राज के साथ हुआ है। आखिर वो शिल्पी राज के साथ क्या मजबूरी था कि शिल्पी राज वैसे काम करने पर मजबूर हो गई, अब तो इसका जवाब शिल्पी राज ही देगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग को बता दें, भोजपुरी में अक्सर सुना जाता है कि लड़कियों का शोषण होता है और ये बात सही है दोस्तों। तो जितनी भी लड़कियां हैं भोजपुरी में काम करना चाहती हैं या भोजपुरी में काम करती हैं, आप लोगों को अगर अपना इज्जत प्यारा हो तो इस सब कांड से थोड़ा बचिएगा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों, आप सभी के लिए इतना ही जानकारी लेकर आए थे। वीडियो शिल्पी राज का जो एमएमएस बना हुआ है वो डरा धमका कर बना हुआ है, आप एमएमएस में साफ साफ देख सकते हैं। उसमें एक व्यक्ति डंडा लेकर शिल्पी राज को डरा रहा है। अब शिल्पी राज ही इसका खुलासा करेगी कि क्या मजबूरी था और क्या वो माहौल था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, आप सभी के लिए इतना ही जानकारी लेकर आए थे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।